हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज देखिए मैं आपको ये वाली पैटर्न दिखाऊंगी बना करके। ये देखिए आपको किस प्रकार से ये मोटी सी पैटर्न आपको लगेगी। देखें देखिए कितनी मोटी सी पैटर्न है और बहुत ही खूबसूरत सी पैटर्न है। ये देखिए दबाने पे ये पैटर्न जो है बिल्कुल दबता है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा पैटर्न है ये। ये पैटर्न जो है बनाना बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये पैटर्न आपको 6 के मल्टीपल में चलेगा और ये 4 सिलाइयों के ही पैटर्न है। तो चलिए इस पैटर्न को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा पैटर्न है, जैसा लग रहा है कि क्रोशिए से मैंने बनाया है, बट ये जो है पैटर्न बिल्कुल नीडिल से बनाया हुआ पैटर्न है और बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। और इसकी थिकनेस देखिए, ये कितनी जो है मोटी सी पैटर्न लग रही है, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। इस पैटर्न को आप कार्डिगन या फिर बी स्वेटर बना रहे हैं तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पैटर्न मैं आपको 20 फंदों पे बना करके दिखाऊंगी। तो चलिए पहला फंदा हम उतार लेंगे, ऊन को हम आगे लेकर के आएंगे और 2 बार हम इस प्रकार से निडिल पे ऊन को ट्विस्ट करेंगे। 1 और ये 2, पूरी सिलाई हम इसी प्रकार से अपनी ओर ऊन करके हम बुनेंगे और 2 बार इस प्रकार से ट्विस्ट करके हम रो फर्स्ट पूरी हम इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। लास्ट का फंदा है, इसे हम ऊन को पीछे ले जाएंगे और सीधा फंदा हम बुन लेंगे। रो सेकेंड देखिएगा, पहला फंदा हम उतार लेंगे। अब 3 फंदे को हम इस प्रकार से खोलेंगे। 3 फंदे को हमने ओपन कर लिया है। अब इन 3 फंदों को हम इस प्रकार से बुनेंगे पीछे की ओर से इस प्रकार से, और इसे हम लेंगे और लेफ्ट नीडल पे उतारेंगे और फिर इन 3 फंदों को हम बुनेंगे उल्टे। 1 2 और ये 3, 3 फंदे हमने बुन लिए हैं। उनको फिर से 3 फंदे हम खोलेंगे, 1 2 3, 3 फंदे हमने फिर से खोले। पहला बार हमने इस साइड से और इन 3 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे। देखिए ये पीछे से हम लेंगे इस प्रकार से, ये हमने पीछे से लिया है और इसे हम लेफ्ट नीडल पे उतार इस प्रकार से घुमा लेंगे और फिर हम इन तीनों को भी उल्टा बुनेंगे। इन 3 फंदों को भी हमने उल्टा बुन लिया है। फिर हम सेम 3 फंदे खोलेंगे, 1 2 3, 3 फंदे हमने खोला। अब फिर से हम इस साइड से हम इन 3 फंदों को पलटेंगे और फिर इन 3 फंदों को हम बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से हम 3 फंदे को खोलेंगे, 1 2 3, और फिर से हम इस साइड से इन 3 फंदों को देखिएगा, इस साइड से हम इन 3 फंदों को पलट लेंगे और फिर इन 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से हम 3 फंदों को खोलेंगे, 1 2 3, और फिर से इन तीनों को हम पलट लेंगे इस प्रकार से निडिल पे और फिर इन तीनों को एक एक करके हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से इन 3 फंदों को हम खोलेंगे और पीछे से हम इस प्रकार से लेंगे और फिर हम लास्ट के 3 फंदे जो हैं इसे हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। लास्ट के फंदे जो हैं इसे हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए एक शेप हमारा कंप्लीट हो गया। तो सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है, रो थर्ड। पहला फंदा हम उतार लेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे और फिर इसी प्रकार से जैसे हमने रो फर्स्ट बुना था उसी प्रकार से हम निडिल पे ट्विस्ट करते हुए 2 बार लपेटते हुए हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। निडिल पे हमने 2 बार राउंड करके लपेटा है इस प्रकार से उनको, और इसे हमने उल्टा बुना है। फिर से हम राउंड करके निडिल पर 2 बार उनको लपेटेंगे और उल्टा हम बना लेंगे। तो पूरी रो हम फिर से रो थर्ड इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए हमने यहाँ तक राउंड करके बना लिया है। अब ये लास्ट का फंदा है तो लास्ट का फंदा हम सीधा बना लेंगे। रो फोर्थ देखिएगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेज है तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा हम उतार लेंगे, तीन फंदे हम खोलेंगे। जब हमने फर्स्ट रो बनाया था सेकेंड रो, तब हमने इस साइड से पहले स्टार्ट किया था। अब हम पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे, इसे पलटेंगे और फिर हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो और ये तीन। फिर हम तीन फंदे खोलेंगे और इस बार हम इधर से लेंगे और इन तीनों को फिर हम उल्टा बुनेंगे, एक दो और ये तीन। फिर हम तीन फंदे खोलेंगे और फिर से हम पीछे से लेंगे तीनों फंदों को और फिर हम तीन फंदे बना लेंगे उल्टे, एक दो और ये तीन। फिर से हम तीन फंदों खोलेंगे, एक दो तीन, और इसे हम राइट साइड से लेंगे और इन तीनों फंदों को फिर से हम उल्टा बुनेंगे, एक दो और ये तीन। फिर से हम तीन फंदे खोलेंगे, एक दो और तीन, और फिर से हम पीछे से लेंगे। अब इन तीनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, एक दो और ये तीन। फिर से इन तीन फंदों को हम खोलेंगे और आगे से हम लेंगे और इन तीन फंदों को हम फिर से उल्टा बुनेंगे, और लास्ट का बचा हुआ फंदा है इसे हम उल्टा बना लेंगे। तो देखिए कितना जल्दी ये बनने वाला पैटर्न है, आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये पैटर्न हमारा बन रहा है और कितनी थिकनेस है इस पैटर्न में। और चार सिलाइयों में देखिए कितनी चौड़ी ये पैटर्न बन गई है। तो आपको ये जल्दी से पूरा होने वाला पैटर्न है। अगर आप कोई भी कार्डिगन में स्टार्ट करती हैं तो ये पैटर्न बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप कभी मिस ना कर पाएँ।